दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को दुनिया का बेहतरीन T20 बेस्ट मैन मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में रौंदने के बाद पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जीता 100% 18वां पहला T20 मुकाबला, जिसमें आखिरी ओवर में रिंकू सिंह ने आखिरी गेंद पे छक्का लगाकर किया चमत्कार। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच में पहले T20 मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स और कैसे रिंकू और रोहित की बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को जिताया पहला T20। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से कौन बेहतरीन T20 बल्लेबाज है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज हो गया, जहां पे पहला T20 मुकाबला बेंगलुरु के मैदान पे शुरू हुआ, जिसमें इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने आए बटलर के साथ जॉनी बेस्टो, दोस्तों दोनों ने मिलकर 6 ओवर में पहले तो 60 रनों स्कोरबोर्ड पर लगा डाले, लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव ने 8वें ओवर में बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया और फिर उसके बाद अगले ओवर में जडेजा ने जॉनी बेस्टो को स्टंप आउट करा दिया। उसके बाद दोस्तों जो रूट कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और आउट हो गए, और फिर लिविंगस्टन और बेन स्टोक की जोड़ी ने ताबड़तोड़ 10 ओवर में सत्य के साझेदारी बना डाली, जिसमें लिविंगस्टन 54 रन की पारी खेल के आउट हो गए तो वहीं बेन स्टोक 46 रन की पारी खेल के आउट हो गए, और फिर मोइन अली ने 12 गेंदों में 32 रन की पारी खेल डाली और इंग्लैंड के स्कोर को 20 ओवर में 198 पे पहुंचा दिया। उसके बाद इस लक्ष्य का पीछा करने आए जायसवाल और रोहित शर्मा ने शुरू में संभल कर खेला, उसके बाद जायसवाल ने मार्क वुड के 1 ओवर में 3 चौके जड़ दिए, लेकिन उसके बाद जायसवाल 18 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद सुमन गिल कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 10 रन के स्कोर पे आउट हो गए। हालांकि सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने पारी को संभाला, जिसमें सूर्या ने ताबड़तोड़ 28 गेंदों में 56 रन की पारी खेल डाली, लेकिन आदिल राशिद की गेंद पे आउट हो गए 60 रन बना के। तो वही रोहित शर्मा का साथ देने आया रिंकू सिंह। दोस्तों, पहले तो रोहित शर्मा ने चौका लगा के अर्धशतक पूरा किया, लेकिन रिंकू सिंह ने आते ही विस्फोटक अंदाज में खेलते हुए चौके छक्कों की बारिश कर डाली और 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और आखिरी 12 गेंदों में भारत को 38 रन चाहिए थे जीतने के लिए, जहां पे रोहित शर्मा 19वें ओवर की शुरू की 2 गेंदों में चौका लगाए और फिर 6ठी गेंद पर 1 छक्का लगाया और फिर आखिरी ओवर में भारत को 24 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे रिंकू सिंह। दोस्तों, रिंकू सिंह ने मार्क वुड के लास्ट ओवर में 4 गेंदों में 4 छक्के लगाकर भारतीय टीम को 100% 18वां पहला T20 मुकाबला जिताया, जहां पे रिंकू सिंह ने 79 रन की पारी खेली तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा भी 84 रन की पारी खेल के नाबाद रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी भारत और इंग्लैंड के बीच में पहले T20 मुकाबले का अभ्यास मैच, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।